हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इब्रार और आप देख रहे हैं आप सबका चैनल इब्रार टेक यूट्यूब चैनल। ओके तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की चैट की रिकवरी के ऊपर। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है यार, आपकी कोई पर्सनल चैट होती है या आप कोई ऐसी चैट रखते हैं जो आप बोलते हैं यार मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, बट वो आपसे डिलीट हो जाती है, या अपना जो मोबाइल है वो चेंज करते हैं, या अपने मोबाइल के अंदर अब जो व्हाट्सएप होता है उसको अगेन मिस री लॉग इन करते हैं, तो दोस्तों वो सारी चैट हो जाती है डिलीट, सारी चैटें वहां से डिलीट हो जाती हैं। तो दोस्तों आप चाहते हो नहीं यार, अगर मैं अपना मोबाइल के अंदर दोबारा लॉग इन करूं व्हाट्सएप, तो वो मेरी चैट जितनी भी चैट्स हैं वो सारी की सारी मेरे पास रहे, वो कहीं ना जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जितनी भी चैट है उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल चेंज किया, दोबारा लॉग इन किया अपने मोबाइल के अंदर, फिर भी वो आपकी चैट हमेशा के लिए रहेगी, तो दोस्तों वो कैसे होगा वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अब तक आपने हमारा चैनल इब्रार टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, आप हमारा चैनल इब्रार टेक सब्सक्राइब करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम ऐसे ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस लाएंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो अपना व्हाट्सएप है उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके अंदर से कुछ चैट डिलीट करके आपको दिखाऊंगा एंड देन उसको रिकवर करेंगे फुल प्रूफ के साथ, लाइव प्रूफ के साथ। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो अपना जो व्हाट्सएप है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जैसे अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इतनी सारी जो चैट है, अब मैं इसको देखो जैसे डिलीट करूँगा एंड देन उसको आपको रिकवर करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कोई भी एक फ्रेंड की जो चैट है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट एंड देन अभी मैं इसको रिकवर करके दिखाऊंगा ये रिकवर होता कैसे है। दोस्तों अभी आपको सिंपली करना क्या है, तो आपने अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाना है। तो यहाँ से मैं अपने जो मोबाइल की सेटिंग के अंदर चले जाता हूँ एंड देन आपको यहाँ पे ऐप्स नाम का कोई ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आपने चले जाना है। अगर आप कोई और मीन्स कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं, ओप्पो या कुछ और, तो उसके अंदर फाइल मैनेजर होता है, ऐप मैनेजर होता है, तो वहाँ से आप वो ऐप को ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं अपने ऐप्स के अंदर चले जाता हूँ एंड देन उसके बाद मैं यहाँ से अपना जो व्हाट्सएप है उसको ओपन करूँगा। तो यहाँ से नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पर मेरा जो व्हाट्सएप है उसको मैं आपको ओपन करेंगे। ठीक है, आपको अपना व्हाट्सएप ऐसे ओपन करना है, उसके बाद ये स्टोरेज है इस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो क्लियर डेटा कर देना है, जोन सा भी आपका ऐप मोबाइल होगा उसके अंदर व्हाट्सएप के जाके ये सारा आपने क्लियर डेटा कर देना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लियर डेटा एंड देन अभी हमने चले जाना है वापस। तो वापस जाने के बाद अभी दोस्तों आपके पास कोई भी यार फाइल मैनेजर होगा, आपके जो व्हाट्सएप का फोल्डर होता है आपने उसके अंदर चले जाना है। तो यहाँ से मैं अपना जो फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल मैनेजर को मैं अपना ओपन करके ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने अभी करना क्या है, जो व्हाट्सएप का फोल्डर होता है उसको आपने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से जो मेरा ये व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है डेटाबेस, तो इसको भी आपने ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके पास आपके पास ऐसी दो तीन फाइल्स आ जाएंगी। अभी आपने यहाँ से करना क्या है, जो ये वाली फाइल होगी ना, ये वाली जिसके आखिर में लिखा हुआ CRYPT, ये वाली फाइल होगी ना, इसको आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इसको ये फाइंड कर लिया, ये वाली आपने सिर्फ ये वाली जिसके आखिर में CRYPT12 लिखा है, ये आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद अभी करना क्या है, इसके जो थ्री डॉट है इस पर आपने क्लिक करना है एंड देन इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पहले वाला ऑप्शन है इसको आपने इसको ख़त्म कर देना है, जो CRYPT12 है इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है और इसके स्टार्ट में आपने कुछ लिख देना है। इस पर आपने लिखना है बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैकअप, तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद एक सैम्पल है, आपने ये वाली सैम्पल भी ऐड लाजमी करनी है, तो ये वाली सैम्पल ऐड करके आपने ऐसा लिख देना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपने दोबारा वापस आ जाना है। अभी दोस्तों आपने जो अपना व्हाट्सएप है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो अपना व्हाट्सएप है उसको दोबारा ओपन कर लूँगा तो मेरा व्हाट्सएप बिल्कुल न्यू हो जाएगा, इसके अंदर मेरे को दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो व्हाट्सएप है वो मीन्स से शुरू से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमने सारा आर्ट डेटा क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो अभी आपने एग्री टू एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर है वो आपने ऐड कर देना है। सिंपली आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपने अपना जो मोबाइल का ये वाला इसको वेरीफाई नंबर को कर देना है, तो आपके पास जो भी आपकी की आएगी उसके ज़रिए आपने इसको वेरीफाई कर देना है। तो मेरा यहाँ पे कॉल मी अलग करके मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तुम लोग अभी मेरा जो व्हाट्सएप है वो वेरीफाई हो रहा है
एंड देन वेरीफाई हो गया। इसके बाद मैं अपनी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेस मांगता है कुछ, तो ये आपने सबको अलाउ कर देना है। जैसे आप अलाउ करेंगे तो उसके बाद आपका एक नया ऑप्शन ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पे आपको करना होगा वेट एंड देन आपके पास ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप फाउंड का, ठीक है। तो यहाँ से आपने कर देना है रीस्टोर। जैसे आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे, जितना भी आपका जो मैसेजेस हैं प्रिपेयरिंग फॉर द रीस्टोर मैसेजेस, जितने भी आपके जो मैसेज हैं वो बैकअप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जैसे कि हमारा ये सब कुछ बैकअप हो जाए। तो आपको यहाँ थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा आपको यार वेट तो करना पड़ेगा ना यार। तो यहाँ पे जैसे ही हो गया तो आपने यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आपने अगर कोई भी अपना इमोजी नेम जो भी लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको वही करना है जो आप करते हो अपना व्हाट्सएप बनाने के लिए। तो उसके बाद भाई साहब ये देख सकते हैं कि हमारा जो सारी चैट है वो हमारी वापस आ गई है। तो यहाँ पे हम इस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करेंगे एंड देन आप देख सकते हैं जितनी भी ये चैट है जो मेरी बिल्कुल वापस आ गई है। जो मैंने आपके सामने इसको डिलीट की थी चैट, वो भी मेरे पास सामने ये देख सकते हैं सब कुछ आ गई है। तो मैंने आपको सामने लाइव डिलीट की थी श्वाब राजपर वाली, तो आप देख सकते हैं कि ये सारी जो भी हमारी है यह वापस आ गई है। दोस्तों ऐसा करके आप अपने जो चैट को रिकवर कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो आपको पता है यार, लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी। ओके, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।